उस समय भी इतने बड़े कट नहीं होते थे, पर वो ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी के घर का मीडिया है, इसलिए गोदी मीडिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। इस वक्त हम लोग किसान महापंचायत के मंच के पास हैं। आप लोग मंच पे देख सकते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत है, योगेंद्र यादव हैं और भी बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यहाँ पर हैं और ये मंच लगा हुआ है। और यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो हम आपको बता चुके हैं कि वो लाखों में है। कितने लोग हैं यहाँ पर? कम से कम 20-25 लाख लोग हैं, 20 लाख से ऊपर है। 20 लाख से ऊपर पूरा खचाखच भरा हुआ पूरा मुजफ्फरनगर। 20-20 किलोमीटर तक रोड पर बस खड़ी हुई है, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। अब क्या लगता है, अब सरकार झुक जाएगी? सरकार के देखो कान कोई फोड़ने को तो ये दिखाई गई है। कह रहे थे कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, कुछ जाति हैं, कुछ वर्ग है, कुछ क्षेत्र है। अब हमने दिखा दिया कि हमारे साथ में पूरा भारत आने वाला है और ये ऐसे ही नहीं रुकेंगे। अभी 16 मीटिंग पर पहुँच गए हैं पूरी यूपी में ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। 16 है, हर जोन पे होगी, हर जोन हर कमेटी। अगर 16 महापंचायत इस तरह की होती है तो फिर इस देश में क्रांति आ जाएगी। आप लोग 16 महापंचायत, आप कहाँ से? जिला इशार गांव खेतड़, थर्मल प्लांट। क्या सोच कर आए हैं? ये सोच कर आए हैं चाहे जवान चाहे किसान लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है? तीनों काले कानून वापिस लो, किसानों की मदद करो, नहीं लड़ते रहेंगे। भी नहीं लेती सरकार वापस? नहीं लड़ती रही तो हम भी लड़ते रहेंगे। आप लोगों का भी इसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ लाखों लोग आए हैं, इतनी बड़ी आप लोग पंचायत कर दिए, इसके बाद भी अगर आप लोगों का बिल वापस नहीं होता है क्या करेंगे? हमारा धरना चलता ही रहेगा, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी में नहीं। किसान भी बड़े जिद्दी हैं। अगर यहाँ मोदी और योगी और अमित शाह जी आ जाए गिनती करने के लिए, इतने सारे किसानों की गिनती करने के लिए यहाँ पे आ जाए तो उन पर गिनती नहीं होनेगी। आप लोगों ने, आप हिंदी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल। आप ये बात बताइए कि आप लोगों ने इतना बड़ा महापंचायत कर दिया, लाखों लोग आ गए, 9 महीने से बॉर्डर पर बैठे, क्या लगता है अब भी अगर सरकार नहीं मानी तो फिर क्या रास्ता बचता है? मैं ये समझता हूँ ये उस समय का समय चल रहा है जब ब्रिटिश सरकार के अंडर में हमारा देश गुलाम था। उस समय भी इतने बड़े कट नहीं होते थे, पर वो ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। क्या ये मोदी की बीजेपी तानाशाही सरकार इस लोकतंत्र से, इस जनता के तंत्र से, इन किसानों से बड़ी है जो किसानों की बात नहीं मान रही है? मैं अभी भी कहता हूँ बीजेपी सरकार को, वो सोई हुई नींद से जाग जाए, वरना ये लोकतंत्र जो है उनको बाहर का तंत्र रास्ता कैसे दिखाएगी? जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये देश की जनता ही है जो उनको तो दिखा रहा है। आप लोगों को 10,000 लोग आए हैं, देखिए नेशनल मीडिया का तो आप सब लोग जानते हैं कि वो कितने परसेंट, वो कितने कितने परसेंट सही बोलते हैं। तो नेशनल मीडिया तो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी के घर का मीडिया है, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं, पर सच्चाई जो है वो यहाँ पर आकर देखो। लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे किसान भाई पहुंचे हैं, इसलिए गोदी मीडिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, ये बात तो सही है, लेकिन सच को दिखाने का जो एक तरह से उस पर वर्चस्व है वो अब सोशल मीडिया पर भी आ चुका है। यानी कि अब सच सिर्फ मीडिया के कहने से नहीं होगा, अब सच सोशल मीडिया भी दिखा रहा है। मीडिया की हर एक झूठ का भंडाफोड़ हो रहा है और सोशल मीडिया की ताकत है इस किसान आंदोलन में कि लोगों की बात, किसानों की बात इस देश के लोगों तक पहुंची, जन जन तक पहुंची, आम लोगों तक पहुंची। और आज उसी का नतीजा है कि ये देखिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या है, गिना नहीं जा सकता इतनी बड़ी संख्या है। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर। आप? मुजफ्फरनगर से ही है। तो फिर क्या लगता है आप लोगों को कि अब यूपी में आप लोग हिला देंगे सरकार? यूपी में ला के रख देंगे बिल्कुल, तीनों कानून वापसी लेने पड़ेंगे। इतने थके हुए लग रहे हैं। कोई बात नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। देखो कितनी पब्लिक है हमारे साथ में आज, इंशाल्लाह तीनों कानून वापसी लेने पड़ेंगे और हाल में लेने पड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।